अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इसके थ्रू तैयारी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप जाते हो प्लस कोर्सेज इनरोल करते हो तो वहाँ पे आप ABStudy10 कोड यूज़ करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। साथ ही साथ मेरी भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं अनअकैडमी पे, 8 PM में आप क्लासेस ले सकते हो। अगर वहाँ पे जब आप जाते हो तो कोई कोड पूछा जाता है आपसे तो आप ये वाला रेफरल कोड ABStudy10 डाल सकते हो और फ्री में मेरी क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप प्लस लेते हो तो यहाँ पे अनअकैडमी प्लस फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अपने घर से आप लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस आपके हर कोर्स के लिए, टॉप एडुकेटर्स जो इंडिया के हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज मिल रहा है हर एक सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे इंद्र बैच जो है इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप नेवी बैच जो है 2021 के लिए वो 12 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि 10 अप्रैल तक चलेगी। साथ ही साथ दूसरी जो कोर्स है गरुड़ बैच, वो भी एयरफोर्स कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए, जो कि 5 जनवरी 2021 से शुरू है और 30 मार्च 2021 तक चलेगी। और टीचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं तो ये आपको पढ़ाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आगे आपको ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो है मेरा रेफरल कोड ABStudy10 यूज़ करना, उसके बाद आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ABStudy10, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, और उसके बाद आगे प्रोसीड टू पे कर देना, आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। हाउ टू ज्वाइन लाइव क्विज ये भी आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग लाइव क्विज भी आप लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक करो। मेरी जो प्रोफाइल है उसका भी लिंक है, उसके थ्रू जाकर मुझे फॉलो करो और रात के 8 PM में क्लासेस भी आप जरूर अटेंड करना। शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया था कि जो आपकी मेडिकल्स की डेट्स हैं और वहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक लिस्ट रिलीज़ की गई थी, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जो आपके सामने शो किया था। उसी के रिगार्डिंग एक और अपडेट आ गई है, और वो अपडेट यहाँ पे न्यू इवेंट्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर, पहला तो है जनरल नोटिस, और ये तो वैसे ही फ्रॉडलेंट ऑफर्स जो होते हैं उसके रिगार्डिंग है। दूसरे में है लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर फाइनल मेडिकल्स एट INS चिल्का फॉर नाविक GD 2020 बैच रीनेम्ड एज 1-2021 बैच। तो आप लोगों का जो 2020 बैच का मेडिकल्स था उसके लिए अपडेट है ये। इसमें पूरी लिस्ट आई है कि कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और बाकी सब डिटेल्स वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जो ये 2020 बैच था जिसके लिए आपने एग्जामिनेशन दिया था नाविक GD का, वो अब रीनेम करके उसे कर दिया गया है क्या 1-2021 बैच। अब उसका जो रीनेम है वो क्या हो गया है, वो 1-2021 बैच के रूप में हो गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया, जो भी लोग शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, जो कि PDF में देख ही लोगे आप लोग, उन सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप आगे जा करके और जो शॉर्टलिस्टेड हो गए हो तो आप फाइनल मेडिकल को भी क्लियर कर लो। अब यहाँ पे हम जब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने PDF ओपन करने का आ जाएगा। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद दिखाता हूँ आपको यहाँ से ओपन करके। तो PDF ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का नाविक GD 2020 बैच रीनेम्ड एज 1-2021 बैच। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है, यहाँ पे कुछ जो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं, बताए गए हैं, लाइक नाविक GD 2020 बैच को अब रीनेम किया जा रहा है नाविक GD 1-2021 बैच के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आगे बता दूंगा प्रोटोकॉल्स के बारे में। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 6 नंबर से अगर आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसे भी मैं अलग से बता दूंगा जो कि ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से देखो जोन वाइज करके दिया गया है, यानी कि अलग अलग जोन के लिए अलग अलग लिस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले है नॉर्थ जोन, जिसमें डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट INS चिल्का 3 फरवरी 2021 एट 6 आर्स लिखा हुआ है, यानी सुबह के 6 बजे 06 आर्स
यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 6 बजे, सुबह के 6 बजे 6 AM में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 3 फरवरी को, कहाँ पे? INS चिल्का में। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग लिखा हुआ है, ये नॉर्थ जोन वालों के लिए है। यहाँ पे रोल नंबर सीरियल नंबर लिखा गया है, आप देख सकते हो एक एक करके। तो नॉर्थ जोन की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 95 कैंडिडेट्स का दिया गया है रोल नंबर, तो आपका जो भी है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आगे है यहाँ पे वेस्ट जोन, वेस्ट जोन में डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट INS चिल्का 5 फरवरी 2021 है एट 0600 आवर्स, यहाँ पे लिखा गया है 6 AM में, यहाँ पे भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और ये डेट होगी 5 फरवरी 2021। और जोन देख लो वेस्ट जोन है, डेट यहाँ पे है, टाइमिंग 6 बजे, वही सेम टाइमिंग, रोल नंबर और सीरियल नंबर लिखा गया है। तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें 74 कैंडिडेट्स को लिया गया है, किसके लिए? ये हमारा है वेस्ट जोन। उसके बाद है आगे ईस्ट जोन, ईस्ट जोन में यहाँ देख रहे हो आप 3 फरवरी 2021 इनकी भी रिपोर्टिंग है और 6 AM में, यानी सुबह में 6 बजे इनको भी रिपोर्ट करना है, कहाँ पे? INS चिल्का में। और यहाँ पे भी सीरियल नंबर और रोल नंबर दिया गया है, आप देख सकते हो रोल नंबर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 32 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट जोन यानी कि NE जोन। तो यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट INS चिल्का है 5 फरवरी 2021 सुबह के 6 बजे 6 AM में। ठीक है, यहाँ पे देखो रोल नंबर सीरियल नंबर लिखा गया है, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं तो टोटल 80 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट INS चिल्का टोटल 3 फरवरी 2021 6 AM में जाना है टोटल कैंडिडेट्स को, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो हैं 15, तो इसे आप चाहो तो ऐड करके और देख सकते हो 95 सबसे ऊपर वाले में यानी कि नॉर्थ जोन है, उसके बाद हमारा दूसरा 74, उसके बाद यहाँ पे 32 और यहाँ पे 80 और सबसे लास्ट में 15, तो टोटल इतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। अभी एक और वैकेंसी निकाली गई है नाविक GD के लिए ही और वो ऑनलाइन एग्जाम होगा नाविक GD के लिए, तो नाविक GD में जो वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग और ये देख करके आप वो कंपेयर कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि वैकेंसीज बढ़ती हैं या फिर नहीं बढ़ती हैं, बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हैं और यहाँ पर बाकी सब आप देख सकते हो। एक चीज़ और आपको बता दूँ मैं कि जो यहाँ पे इनको फ़ायदा क्या हुआ COVID-19 की वजह से, इन्होंने किया क्या कि एक जो बैच हो गया आपका 2020 हो गया, उसके बाद ये कर दिया इन्होंने 1 2021, और जो वैकेंसी निकली हुई है जिसके लिए 19 जनवरी लास्ट डेट है उसके लिए जो है वो नाविक GD का 2 2021 बैच हो गया, यानी कि एक बैच यहाँ पे इन्होंने कर दिया गायब, ये चीज़ है। बाकी नाविक DB के लिए इन्होंने 1 2021 बैच प्रॉपर तरीके से निकाली है। यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफिस नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और नॉर्थ वेस्ट जोन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और 11 नंबर पर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंटीमेट देयर विलिंगनेस अनविलिंगनेस टू देयर रिस्पेक्टिव जोनल रिक्रूटमेंट सेंटर बाई स्पीड पोस्ट एज स्पेसिफाइड इन द कॉल लेटर बाई 1 जनवरी 2021। यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया गया है कि आपको अपनी विलिंगनेस और अनविलिंगनेस भी भेज देनी है, किसके थ्रू आपको भेजनी है, स्पीड पोस्ट के थ्रू, कहाँ पे? आपका जो रेस्पेक्टिव जोनल रिक्रूटमेंट सेंटर का एड्रेस दिया गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप भेज सकते हो। और नोट में करके दिया गया है कि नो सेकंड लिस्ट विल बी अपलोडेड फर्दर, तो यहाँ पे अब कोई भी आगे सेकंड लिस्ट, दूसरी लिस्ट रिलीज नहीं की जाएगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्या कैसे करना है, एडवाइजरी जारी की गई है, वो सब कुछ है। और उसके बाद यहाँ पे अल्गोरिथम है, किसके लिए? इवेंट्स के लिए, जो इवेंट्स हुए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में उसके लिए कैसे इवेंट्स होंगे वो सब यहाँ पे दिया गया है, वो बाद में मैं बताऊंगा। ट्रेवल एडवाइजरी भी है, वो भी बताऊंगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी आपको फिलअप करना है, ये भी समझा दूंगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म है, ये भी आपको फिलअप करना होगा। तो ये यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग सब समझा दूंगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी, अब एक एक करके अलग अलग वीडियोज बनानी होगी तभी आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगा मैं। ठीक है, अभी के लिए बता दिया आपको, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और अब आपके मन में कोई डाउट
नहीं होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। साथ ही साथ आज से अनअकैडमी पे 8 PM में क्लासेस भी आ रही हैं मेरी, तो वहां से जाकर के आप तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो अगर आप आगे तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड के लिए। तो बस ये है, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।